देखिए टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाई माने दो, दो को उसको वैद्युत की जोड़ रहते हैं, क्या कहते हैं? वैद्युत। ठीक है, ताकि अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत स्मार्ट डिस्टेंस रखे जाए तो जो सिस्टम फॉर्म होता है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। मतलब दो अपोजिट और इक्वल होने चाहिए। ये दो चार्जेस हैं, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। कोशिश करिएगा कि माइनस किधर रखेंगे, प्लस किधर रखेंगे, उसका रीजन बता रहे हैं। तो जो सिस्टम फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने ये रखा और हमने इसको टू वे डिस्टेंस पर रखा, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वैद्युत द्वीध्रुव। तब जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक और फैक्टर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब वो क्यों लिया जाता है वो एक अलग अलग है। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा जब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसको अपनी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा और एक घूमने की कोशिश में करेगा, घूम भी जाएगा। कैसे घूमेगा बाद की बात है। तो एक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? कोई एक चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है। अब आप कहेंगे आप वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कह रहे हो, तो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस को टू ए क्यों मान रहे हो? ए मान लो, ए मान लो। एक्चुअली टू ए मानने के पीछे एक लॉजिक है। हम जब कभी दोनों का इफेक्ट देखेंगे तो हम डिस्टेंस हमेशा एस्टिमेट पॉइंट से मानेंगे। ठीक है, हम जब भी दूरी जो लिखेंगे, अगर यहां से दूरी आप नापते हो या यहां से दूरी नापते हो, तो दूसरा वाला चार्ज दिक्कत करेगा ना भाई। दोनों को इम्पोर्टेंस देने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को खुश रखना है ना। तो जो दूरी नापी जाएगी वो यहां से नापी जाएगी, क्योंकि यहां पर दोनों का जो इफेक्ट होगा वो बराबर होगा। तो जब दूरी मिडिल पॉइंट से नापोगे, ये दूरियां बराबर होनी चाहिए। तो अगर आप ए मानोगे ये ए बाय टू हो, वो दिक्कत करेगा। ठीक है, इसीलिए हम टू ए मानते हैं। बड़े क्लासेस लाओगे ग्रेजुएशन में तो यही माना गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है इसका यूनिट क्या होगा। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट निकाल लो, क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम। और डिस्टेंस का? मीटर। इसका यूनिट होगा कूलम मीटर। अब ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, ये बड़ा कंफ्यूजन है, जरा समझिएगा। अब आप कहीं भाई देखो ये तो है चार्ज, और चार्ज कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, और बीच की दूरी भी अदिश राशि है, तो नियमता ये अदिश राशि है। लेकिन इसको कहा गया एक ऐसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब आप मेरे सामने अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इनमें से दो वेक्टर कौन है? एक्चुअली होता क्या है, ये जो टू ए होता है ना, जो ए है इसको वेक्टर मान लिया जाता है, क्योंकि टू ए को वेक्टर इसलिए मानते हैं, इसको दूरी नहीं नापते, इसको डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। मतलब जो टू ए यहां पर लिया जाएगा, यहां जो टू ए आएगा उसको हम क्या कहेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे डिस्प्लेसमेंट लेंगे? देखो अगर आप माइनस से प्लस की तरफ ले लो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और प्लस से माइनस तरफ ले लो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो फिजिक्स में अपनी कन्वीनियंस से जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ली गई है वो माइनस टू प्लस ली गई, ये फिजिक्स में ये कन्वीनियंस अपना है और कोई मतलब नहीं। ठीक है, और केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे तो उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस ली गई है। जैसे हीट में केमिस्ट्री उल्टा करती है, क्यों करती है? अरे भैया हम अगर वही करेंगे फिजिक्स तो हम कहें कि केमिस्ट्री, हमारा अपना सब्जेक्ट है, हम भी अपना इंपॉर्टेंस है, तो अपना इंपॉर्टेंस रखने के लिए फिजिक्स में क्या होता है, हीट में जब हम वर्क करते हैं सिस्टम पर तो वर्क निगेटिव होता था, सिस्टम वर्क करता था तो वर्क पॉजिटिव होता था, केमिस्ट्री उल्टा मानती है। तो केमिस्ट्री में जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस होगी, और आप क्या करेंगे इसकी जो डायरेक्शन लेंगे वो माइनस से प्लस में, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इधर माइनस लेते हैं, इधर केवल इसको करने की। ठीक है, तो सोल में आ गया वेक्टर क्वांटिटी क्यों होने के। ठीक है, ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू फिजिक्स में लिया गया है। और अगर अच्छा सिंपल सी बात है, अगर ये ऑथेंटिक होता कि नहीं, माइनस से प्लस होना चाहिए कार्डिटोरी सम रूल, तो वही रूल केमिस्ट्री फॉलो करती,
लेकिन रुचि प्लस माइनस क्यों लिया होगी, तो अपना कन्वीनियंस है। ठीक है, सुन में क्या नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल में एक्चुअली चार्जेज होते हैं और चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करते हैं, और यहां कितने चार्ज हैं, दो। तो हमें दिखाना है कि दोनों चार्ज मिलकर के किसी पॉइंट पे कितना फील्ड क्रिएट करेंगे। तो इसकी दो कंडीशंस आएंगी। पहला केस इसमें होगा केस वन, उसको कहते हैं ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। इसकी दूसरी इंग्लिश होती है एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। अच्छी स्थिति या अच्छी स्थिति, अंडर स्थिति, अच्छी या अंडर स्थिति, क्या होता है समझिएगा। हमने कहा ये एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। हमेशा माइनस से डाल लेते हैं जान बुझ के, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाती है और कुछ होता नहीं। अब आप कहेंगे इधर माइनस कर दें, इधर प्लस कर दें, उल्टा कर दें, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन निगेटिव पे आ जाएगी, वो इधर से इधर होगी जाकर के, ये थोड़ी गाड़ी इधर से इधर जा हुआ, वो इधर से गाड़ी लेके थोड़ी जा रही है। देखिए ये एक डायपोल है, ठीक है, इसके लिखा एक्सियल पोजिशन, यानी इसकी एक्सिस पर, ये इसकी एक्सिस है और इसकी एक्सिस पर इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे कि ए बी इज अ डायपोल, लिखवा नहीं रहे ऑन इट्स एक्सिस देयर इज अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। बस इतनी कहानी, थ्योरी इतनी भी ना हो जाए कि मैथमेटिक ढूंढता रहा एग्जाम में कि मैथ कहां लिखी है आपको। आप देखिए ये डिस्टेंस कितनी है आपकी ए और ए, या टू एल लिख लेते हैं, हमने ए माना है, आप एल मान लो, यहां पर ज्यादा ठीक है, मुलाकात होती नहीं, वहां भी एल लिख लीजिए, एक जगह एल लिख लीजिए, लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो सावधान, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू निकालते हैं किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, इसको लिया हमने ई वन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, के मत बोला पूरी बात बोला, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का मतलब बी से लेकर के पी के बीच की दूरी, तो बी पी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब देखो डायरेक्शन हमने जो याद की है प्लस से माइनस की हो, हमने कहा ठीक है भैया ये माइनस चार्ज ये प्लस चार्ज, अब बताओ ये पॉइंट पे प्लस से माइनस बताओ, नहीं हमने क्या कहा जो हम याद करते आए ना प्लस से माइनस, तो आप बताओ प्लस माइनस कैसे दिखाए, तो कैसे याद करेंगे प्लस से दूर, अब जो प्लस से दूर बोलेंगे ना, तो प्लस से दूर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पर इवन नहीं हो गया, तो हम उसकी डायरेक्शन अगर निकाले तो बी से पी की तरफ है नहीं, तो हम लिखते अलोंग बीपी, डायरेक्शन अगर यहां लिखना चाहे तो अलोंग बीपी ले सकते हैं बी से पी की तरफ, जब मैं बीपी वेक्टर लगा रहा हूं यानी मैं क्या कह रहा हूं बी से पी की तरफ, तो यानी किया जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीपी की वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक दूरी कितनी है और ओ से आर है, ये हटा दीजिए आप, आर कहां है, आप दूरी कहां से ले रहे हैं, ओ से ले रहे हैं, बीस ले रहे हैं ना, ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो अगर आप टॉपिक को हिसाब से और थोड़ा विजुलाइज करते हुए क्या हो क्या रहा है तो आ जाएगा, अगर आपने रटने की कोशिश की तो फिजिक्स बड़ों बड़ों को ऐसा कर देती है, अब आप कहेंगे हम ऐसा नहीं होना चाहते, वो तो अपने आप हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकालते हैं, इसको ई टू मान लेते हैं, ई टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ए से पी के बीच दूरी ए पी स्क्वायर हो जाएगा। यहां क्या होगा माइनस की ओर,
माइनस की ओर हो गया ई टू। तो इसकी डायरेक्शन क्या लिखी है, पी से ए की तरफ है, तो अराउंड पी ए लिखते, अराउंड पी ए, या तो पी टू ए ऐसा लिखे, जब हम पी ए पे वेक्टर चढ़ा देते हैं तो हम समझ जाते हैं पी से ए की तरफ ले रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, इसकी दूरी क्या है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ई वन ई टू दोनों अपोजिट है, और जब अपोजिट फोर्स काम करता है, अगर एक फोर्स इधर की ओर 5 न्यूटन का एक्ट करे और एक इधर की ओर 2 न्यूटन एक्ट करे, तो रिजल्टेंट ने दोनों को माइनस कर देंगे ना, तो या तो ई वन माइनस ई टू करेंगे या ई टू माइनस ई वन करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि ई वन ई टू में से बड़ा कौन, तो अब जरा इसको देख के बताओ या उसको देख के बताओ, ई वन बड़ा की टू बड़ा, इनमें से ई वन बड़ा है, मैथमेटिकली इसको देख के बताओ, डायग्राम वहां देख के बताओ कि ई वन बड़ा है कि ई टू बड़ा है। ई वन क्यों बड़ा है, हाँ एक तो ई वन का डिनोमिनेटर छोटा है पहली चीज, इसलिए बड़ा है, और उस हिसाब से जो प्लस क्यू है ना वो इसके नजदीक है, तो जो नजदीक है उसका भौकाल ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो ई बराबर कैसे निकालेंगे, ई वन माइनस में जो बड़ा है उसमें माइनस करेंगे, तो ई टू माइनस करेंगे, ई वन बोले तो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन ले ले, इसी वक्त माइनस करते वक्त ये हो जाएगा वन अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, जहां तक लोड करें देखिए ये वैल्यू अपने लगती है ई वन ई टू की। अब जरा देखिए ध्यान से कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां जरा देखिएगा ये हो गया एलसीएम आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर, डायग्राम रब कर दे आता नहीं रहेगा, नहीं ये डायग्राम जो है काम देगा इसके, हम थोड़ा सा यहां से कैलकुलेशन करते हैं, इज इक्वल टू क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम क्या हो गया आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो मैथमेटिक्स के हिसाब ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये बन जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आएगा क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखिए खोल दिए इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल आर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और इस माइनस को अंदर ऑपरेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू एल आर अपान। जरा यहां देखिए, यहां पर अगर होल स्क्वायर आप भूल जाइए तो ये लिखा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आएगा फोर एल आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिजिक्स कहती है जहां पर बड़े लोग हों वहां छोटे लोग हों उसको इग्नोर कर दिया जाता है, भाई माने कहें डीएमएसपी के यहाँ शादी भी आए हो और कार्ड वाजपेयी जी को भी दिया गया, मास्टर साहब कौन वहां पूछेगा अरे हो ठीक है आओ कॉफी पी हो जाओ, ठीक है। तो चूंकि ये जो एल है ना वो छोटी वैल्यू है, ये तो ट्वेल्व बहुत छोटी वैल्यू है, एल और बड़ी छोटी वैल्यू है, और जो बहुत छोटी वैल्यू का स्क्वायर हो जाता तो और छोटी हो जाती है, तो चूंकि आर की कंपेयर में एल की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो आप लिखेंगे एज एल इज लेस एंड लेस देन आर सो नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर, नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर इसके साथ आगे ना भाई साहब, ठीक है भाई। जैसे आप कोई लेबर आपके यहाँ काम करता है तो अपने ससुराल जाएगा तुम्हारा तो दमाद है ना वो, ठीक है तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हारे ससुराल तो लेबरी कराओगे ना उससे, कि जहां अकेले हैं वहां तो ये दमाद है मान के, लेकिन घुस गए यार स्क्वायर साथ में ना इनको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ऐसा फिजिक्स कहती है, तो हटा दो इसको, ये चीज बराबर क्या हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू फोर एल आर अपान। अब देखो जब यहां से एल स्क्वायर घटाओगे तो आर्ट पावर फोर हो जाएगा, तो हो जाएगा आर्ट पावर फोर, एक आर कट जाएगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें जब टू क्यूएल बचेगा फोर क्यूएल बचेगा, अरे यार तो इसको आप अकेला कर दोगे
मतलब इस कांस्टेंट की अपनी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो आप कहीं पर 4 काट करके 1/5 या क्या क्या करेगा जाकर के, तब कहीं इसकी वैल्यू क्या होती है, हमारा 4 कहां गया, ये भी देखो ना, उसको नहीं डिस्टर्ब कर सकते आप, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं कि एक आर से एक आर काट दिया, ऊपर 2 × 2 क्यूएल कर दिया और इसे आर क्यूब कर दिया। इसको पहचानते हैं आप, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/4 πε0 2π/r³। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, जहां पी क्या है, 2 QL, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किधर, ईवन की डायरेक्शन में, भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा यही होगी आपकी, और इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा क्या है, वो भी इधर ही है, माइनस से प्लस की ओर। तो अगर हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है ही नहीं सेम है, तो हम चाहें इन वेक्टर फॉर्म, तो आप दोनों को वेक्टर चला दीजिए, आप इन वेक्टर फॉर्म लिख करके इन दोनों पे आप वेक्टर चला दीजिए, कह सकते नहीं कह सकते, ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए नेक्स्ट केस है कि आपको इलेक्ट्रिक, देखो पूरी हेडिंग यहां चली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल, या उसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। पहले मतलब समझिएगा, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू एन प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी है 2L, बोले तो ये L और ये L, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है O पॉइंट से, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यानी कि प्लस भी ऐसे इस पे अपना भोपाल टाइट करेगा और माइनस भी भोपाल टाइट करेगा, तो आपको दूरी निकालनी पड़ेगी ना, यानी अगर ये AB है तो आपको AB और BB चाहिए ना, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये क्या निकलेगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये भी क्या निकलेगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो डायग्राम समझ में आ गया, तो डायग्राम के बारे में लिख लेंगे कि AB इज अ डायपोल एंड देयर इज अ पॉइंट P ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट डिस्टेंस R एट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। AB एक डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, उसके लंबार्धक पर उसे आर डिस्टेंस की है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं, बस इतना लिख दिया काम खत्म। अब देखिए दूरी वैसे निकाली, इसको यहां नहीं दिखाना है। अब देखिए पहले प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इवन इक्वल क्या होगा, 1/4 πε0 q/+ से दूरी क्या है, bp स्क्वायर। अब अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पर दूरी प्लस से माइनस दिखाओ, तो प्लस ये माइनस से तो इसे दिखाओगे, इसलिए याद क्या कराया गया, प्लस से, तो इस वाली लाइन पर प्लस से दूसरी तरफ ही हो गई, इवन नहीं हम वेक्टर नहीं दिखा रहे, वो डायग्राम में अपने आप क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर वैल्यू रख देते हैं तो क्या आएगा, 1/4 πε0 q/ आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, हिंदी में लिखोगे ना तुम, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ई टू इज इक्वल टू 1/4 πε0 q/ ए पी स्क्वायर, माइनस की ओर उसी लाइन के अलांग होता है ना, तो माइनस की ओर ये हो गया ई टू, तो आएगा 1/4 πε0 q/ ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जरा सावधान ध्यान से समझिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका ये है कि पहली बात तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम आ रही ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिट्टो इसके बीच से होकर जाएगा। भाई जब दो एक चीज को दो लोग ऐसे खींचे अपनी अपनी दिशा में, तो वो जो रिजल्टेंट होगा बिल्कुल बीच से ऊपर जाएगा, क्योंकि तो दोनों का जो फोर्स है वो उसकी वैल्यू सेम है। देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में दोनों साइडें इक्वल हैं, यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, थीटा निकाल लेंगे हमारा आराम से, चाहे टैन निकालना हो चाहे कॉस निकालना हो, ट्रायंगल में तीनों साइडें हमको मालूम है। अच्छा ये थीटा, ये थीटा दिए कितना, 2θ, हम लिख नहीं गए जानबूझकर। तो दो फोर्स E1 और E2
इनके बीच एंगल 2 थीटा, उनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2 e1 e2 cos 2 थीटा। ये तो ये तरीका हो गया, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा। दूसरा तरीका हम कंपोनेंट फॉर्म लिखते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा थीटा। कहीं की बुक में केवल एक थीटा दिखाते हैं, आप दोनों दिखा। तो जरा ध्यान से देखिए इस पॉइंट पी को देखो, पकड़ोगा पकड़ लिया, देखो ये आपको ई वन दिख रहा है और ये आपको ई टू दिख रहा है, दिख रहा है ना, और ये इसका रिजल्टेंट दिख रहा है आपको, ये एंगल थीटा दिख रहा है, क्योंकि ई वन का जो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट होता है घटक, उसको कहते हैं ई वन कॉस थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ई वन कॉस थीटा हो जाएगा ना, और इसके परपेंडिकुलर ई वन साइन थीटा। ई टू से लगा हुआ ये एंगल थीटा है, ई टू से लगा हुआ कंपोनेंट क्या होगा, ई टू कॉस थीटा और ये ई टू साइन थीटा। जरा डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये दोनों इक्वल अपोजिट है, मान बराबर भी है और अपोजिट भी है, एक दूसरे के इफेक्ट को, कोई इधर कान पकड़े उधर कान पकड़े खींचे और तुम आराम से खड़े रहो, नो प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मी इज जीरो। ऐसा होगा, अरे मसल्स में दर्द होगा लेकिन रिजल्टेंट तो आपको सर तो कॉन्स्टेंट रहेगा ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई वन कॉस थीटा प्लस, बस। तो आप देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा। जरा थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, जब ई वन ई टू की वैल्यू रखोगे तो दोनों में सेम आएंगी वैल्यू, दोनों को उठा के हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, दो बार बचेगा ना, तो आएगा टू कॉस थीटा। सोच रहे हो कहां से आएगा, मैथमेटिक्स लिए हो ना तो दिक्कत है, बोले अलजेब्रा नहीं है सिलेबस में। अच्छा तो ये आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन टू टू। जरा कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, आधार टेकर ये जाएगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पहुंचे यहां तक, तो देखिए ये आपने कॉस की वैल्यू रखी, जरा देखिए कॉस की वैल्यू रखी, जरा समझिएगा इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था ना ई, अब देखिए ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो गया टू क्यू एल, जरा नीचे देखिए ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर वन है, ये पावर हाफ है, दोनों पावर ऐड हो जाएगी ना, ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर, अब फिर एल फंस गया आर के साथ, तो आप लिखेंगे एस एल इज बहुत ही छोटा विद रिस्पेक्ट टू आर, सो नेग्लेक्टिंग, इसलिए एल स्क्वायर को उपेक्षणीय, क्या करते हैं उपेक्षणीय, नेग्लेक्ट करने को, तब हिंदी आती है लेकिन हिंदी गड़बड़ हो रहा है। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यूएल को पी ले सकते हैं, और ये क्या बनेगा आर क्यूब बन जाएगा, मतलब एल स्क्वायर को हटा दोगे आर स्क्वायर को और थ्री बाई टू कर दोगे तो टू टू कट जाएगा क्यूब बचेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। अब जरा वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, जरा सावधान, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से उल्टा है, इधर वो पैडल है नहीं पैडल है भाई, ये एंगल थीटा है ये एंगल भी थीटा है, इधर वो पैडल है, यानी एंटी पैडल हो गया ना, ये वेक्टर के हिसाब से एंटी पैडल होगा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे ई तो ये आएगी वैल्यू सेम आपकी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, लेकिन यहां क्या आएगा माइनस में आएगा, समझ में बात नहीं है, ये नोट कर लिया, एक नोट करके यहां पर और लिख लीजिएगा, पहले इतना करिए फिर हम बात करते हैं, एक नोट करके देखिए, नोट पैसा वाला नहीं फिजिक्स वाला, देखो ई एक्सियल हमने क्या बताया, एक्सियल में हमने कहा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपान आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल अभी हम प्रूव कर रहे हैं, इक्वेटोरियल में क्या बताया वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान
आर क्यू, दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों सेम डिस्टेंस पे है लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ये उसका टू टाइम्स है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि ई एक्सियल जो होता है वो टू टाइम्स होता है ई इक्वेटोरियल, मतलब अगर एक्सियल पोजिशन पे आप है उसी डिस्टेंस पे मिड पॉइंट से, तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल पोजिशन का डबल होगा, ज्यादा। ठीक है, कर लीजिएगा, नेक्स्ट आगे बात की जाएगी।